नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। फरीदाबाद से दमोह पहुंची स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची दमोह। प्रदेश में फंसे कई जिलों के मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची दमोह। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। 12 मई को एक विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन फरीदाबाद से प्रातः 9:30 बजे रवाना होकर शाम 7:30 बजे दमोह रेलवे स्टेशन पहुंची। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग 1400 मजदूर दमोह पहुंचे। उन्हें विशेष बसों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे और अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते रहे। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विशेष ट्रेन दमोह स्टेशन पहुंचते ही रेल पुलिस बल के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित कराते हुए दिखे। लगभग 1400 मजदूर पहुंचे सतना, रीवा, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, छतरपुर, कटनी, दमोह, जबलपुर, पन्ना, सागर, शहडोल, भिंड, ग्वालियर, महोब, निवाड़ी, मुरैना, अनूपपुर, सीधी, छिंदवाड़ा, खजुराहो, भोपाल, हरपालपुर, महुआ, सिंगरौली, उमरिया, खंडवा और होशंगाबाद शामिल रहे। दमोह रेलवे स्टेशन पर 2 निकासी द्वारों पर स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई थी, जहां आए मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेष ट्रेन दमोह पहुंची ही इन मजदूरों को भोजन पैकेट मुहैया करवाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इसमें दमोह जिले के अलावा अन्य जिलों के मजदूरों के लिए उनके गृह जिले पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था रही। यहां SDM रविंद्र चौकसे द्वारा प्रत्येक बसों के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सूचना केंद्र बनाया गया था। बाहर से आ रहे मजदूरों को समुचित जानकारी देने के लिए प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्टेशन परिसर के बाहर बनाया गया था, जहां से लगातार अनाउंस किया जा रहा था। कहां से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से कहां जाना है? सतना। सतना, दिल्ली में क्या करते थे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी? दिल्ली कब गए थे? अरे 4 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? विष्णु। कितने दिन से लॉकडाउन? अभी जब आए सरकार ने जो सुविधा दी, कैसा महसूस? अब आप अपने घर पहुंच जाएंगे, क्या वहां पे क्या काम करते थे? नाम क्या है? यात्रियों को चाहिए कि आरपीएफ